यार से ये देखें गोल्डन को, ये सर गोल्डन से भी सेम। मैं क्या दिखाऊं आप दोस्तों को यार, जिधर आगे मैं तो व्यूअर से ये गोल्डन सेफ है, उसका एक और नस्ल है। और ये जो बाग है आप देखेंगे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, बिल्कुल इसके दरख्त जो है ना छोटे साइज के हैं। जैसे साथ में आप अगर पराठा देखें, ये पूरी तैयार हो रही है इनकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सर तो मैं होटल से तैयार होके बिल्कुल रेडी होके नीचे आ गया हूँ। तो सबसे पहले आज हमारा काम है कि हम नाश्ता करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कोयटा का नाश्ता। कोयटा का नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर आज हम जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर सेब और अंगूर के बड़े बागात हैं कोयटा के अंदर, और सीज़न भी है अभी। तो सबसे पहले जाके मैं आपको आज वो विज़िट करूँगा, क्योंकि मैं खास प्लानिंग करके आया था कि हम सेब के और अंगूर के बागात देखेंगे। तो चलते हैं वो बागात देखते हैं, पहले हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर अपने टूर को कंटिन्यू करते हैं। ये मुझे कैफे दिखा है, यहाँ पे अंडा ऑमलेट बन रहा है, ये पराठे पड़े हुए हैं, और ये सामने हलवा पड़ा हुआ सूजी का, और ये घी रखा हुआ है इन्होंने। जब भी आपको पूरी वगैरह बनवानी तो ताज़ी ताज़ी बना के देते हैं। तो और आगे चले मैं एक और शॉप पे सामने, उस पर बड़ा रश लगा हुआ है। आपको पता है जहाँ पर रश ज़्यादा होता है ना, तो यानी कि यहाँ उसका टेस्ट ज़्यादा होता है या वो सस्ता होता है। तो ये देखें ये सारे नाश्ते वाले बैठे हुए हैं, इसके पास तो मुझे ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो ये पुड़ी पे भी देखे तीन चार बंदे लगे हुए पुड़ी लगा रहे हैं। ये देखे एक अंकल वो बैठे हुए हैं कि ये पुड़ी पे, ये देखे ये पुड़ी तैयार हो रही है इनकी। सुबह सुबह का नाश्ता कोयटा वाले, देखे आज हफ्ते का दिन है, मज़े ले रहे हैं। मौसम भी बड़ा खुशगवार बना हुआ है, ये हलवा पड़ा हुआ है, हलवे के साथ छोला इन्होंने पहले ऑलरेडी पार्सल किया हुआ है। साथ में आप अगर पराठा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पराठा भी मिलता है। तो ये देखें गरम गरम पराठे बन रहे हैं, तो उनके पास बैठने का भी बड़ा अच्छा सेटअप है। तो ये देखें इनका सेटअप, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है यार माशाल्लाह। पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ लोग टेबलों पे बैठे हैं और नाश्ता सर्व कर रहे हैं, तो माशाल्लाह सिस्टम इनका बड़ा बेहतरीन लग रहा है, और काम भी इनका बड़ा अच्छा लग रहा था। चलो मैं भी बैठता हूँ इधर ही, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं अपने टूर पर, क्योंकि फिर हमें बहुत दूर जाना है आज कोयटा शहर से बाहर, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा यार। व्यूअर्स नाश्ता आ गया, नाश्ते में मैंने हलवा मंगवाया है, हलवा के साथ छोले हैं, और छोले के साथ एक पूड़ी मंगवाई है। छोले के इन्होंने 150 अलग मांगे हैं, और हलवे के 150 अलग, और पूड़ी इन्होंने मुझे दी 40 रुपए की। चाय के पैसे अलग लगेंगे, अभी नाश्ता ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है नाश्ता। हलवा भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह, और छोले भी जबरदस्त बने हुए हैं। तो हलवा पूरी का नाश्ता ट्राई करते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह अपने टूर पे, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी नाश्ता करके लोकल यहाँ का रक्शा हायर करके और निकल गया हूँ यहाँ के लोकल बस स्टॉप पर, और वहाँ से फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठ के जाएंगे आगे। कॉलोनी कहलाती है, यहाँ पर छोटा सा बस टर्मिनल है, यहाँ से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज की तरफ गाड़ियाँ जाती है। तो मुझे जो सेब और अंगूर के बागात की तरफ जाना है, तो यहाँ से किसी वैन में बैठना है और वो जाके मुझे वहाँ उतारेगी। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी में, ये मेरे साथ है, तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूँ, तो वो सीधी आपको जाके वहाँ उतारेगी। तो गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह अपने सफर पर, और आपको दिखाते हैं कि कोयटा के अंदर सेब और अंगूर आड़ू अनार कैसे पैदा होते हैं।
मैं अभी क्वेटा सिटी से बहुत बाहर आ गया हूँ। जिस रोड पर मैं सफ़र कर रहा हूँ इसे क्वेटा कराची रोड कहते हैं। अभी मैं कराची की तरफ आ रहा हूँ, मगर मैं क्वेटा शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर आकर एक बागात का एरिया आता है जहाँ पर मैं उतर जाऊँगा। व्यूअर्स, अभी मैं क्वेटा सिटी से बाहर आ गया हूँ। अभी मैं क्वेटा कराची रोड पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे पीछे क्वेटा शहर है और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस गाड़ी में आया हूँ क्वेटा सिटी से, और ये गाड़ी आगे मस्तूम की तरफ जा रही है और ये रोड भी कराची की तरफ जा रहा है। तो ये आप देखें, रोड के बिल्कुल साथ ही ये सैफ के बागात हैं। तो आज हम जाएंगे सैफ के बागात, देखेंगे कि यहाँ पर सैफ किस तरह का होता है। और ये ट्रक भी एक आ रहा है यहाँ से माल भर कर। तो चले आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या हमें इस बागात के अंदर कौन सी नस्ल के सेब देखने को मिलते हैं। फिर अभी मैं बाग के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ, और ये जो बाग है आप देखेंगे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, बिल्कुल इसके दरख्त जो है ना छोटे साइज़ के हैं। जैसे आपने आम के दरख्त देखे होंगे, या हर बाग के यानी कि अपने अपने किस्म होते हैं ना, तो इस बाग के दरख्त बहुत नीचे हैं। तो यहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं, तो अभी मेन अगर जहाँ पे इनका माल इकट्ठा किया हुआ है, तो इस बाग के अंदर मुझे पता पड़ा कि तीन किस्म के सेफ होते हैं। तो तीनों किस्म के इंशाल्लाह मैं आपको सेफ दिखाऊँगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह, मैं बोलता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। यकीन जाने ना, मुझे तो बड़ा चस आ गया इधर पहुँच के। तो अभी आपको दिखाता हूँ पूरा इसको, बाग को विज़िट करते हैं और आपको एक्सप्लोर करते हैं, इस बाग के बारे में बताते हैं आपको कि यहाँ पर कौन कौन से नस्ल के सेफ हो रहे हैं। व्यूअर्स, अभी बाग के बिल्कुल अंदर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर बाग के मालिक भी मौजूद हैं और जो लेबर यहाँ काम करती है, ये देखें माल भी पैक हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह वक्त ही ये इसकी पटाई करते हैं और पैकिंग करके रख दिया, अभी ये कराची भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक जींस दिखाता हूँ, जिसको ये पोलू के नाम से बता रहे हैं। ये जो लाल सेफ हम लेते हैं ठेलों पे पड़ा होता है ना, ढूंढ ढूंढ के उठाते हैं, यार लाल वाला में दे दो। तो ये देखें, ये लाल लाल कलर के सेफ, ये छोटे सेफ हैं अभी, ये देखें माशाल्लाह। तो ये छोटे हैं मगर ये थोड़े से, ये बोलते हैं कि अभी 10 दिन 12 दिन इनको रोकेंगे तो ये सारे लाल हो जाएंगे। तो ये देखें, ये दरख्त देखें, तो ये दरख्त इस तरह सा कुछ होता है सेफ का दरख्त। ये बाहर ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर ये आप देखेंगे ये पानी भी आ रहा है, ऐसे छोटी सी नहरें बनी हुई जो बहती रहती है इनके पास, और ये पानी सारा माशाल्लाह ज़मीन का ही है इनके पास। और ये देखें, जिधर देखो आपको सेफ ही सेफ नज़र आएगा माशाल्लाह। ये देखो कार्टूनों में पैक हुआ पड़ा हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह, यार मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ सेफ के बाग में, और इस्पेशली आप व्यूअर्स के लिए आया हूँ मैं एक यहाँ पर क्वेटा, कि आप दोस्तों को दिखाऊँ कि क्वेटा के अंदर सेफ के बागात कैसे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये गोल्डन सेफ है, उसका एक और नस्ल है, ठीक है ना। एक बड़े वाला गोल्डन होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये अंकल बता रहे हैं कि ये उसका छोटा नस्ल है। मगर सेफ देखें यार माशाल्लाह, कितना खूबसूरत सेफ है यार। ये दरख्त के अंदर लगा हुआ है, देखो किस तरह से ये लगे हुए हैं माशाल्लाह, और ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन जाने ना। तो दिल कर रहा है बस सारे सेफ खा जाओ, मगर एक दो सेफ से ज़्यादा बंदा नहीं खा सकता। देख लें यार माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत बलोचिस्तान कितना माशाल्लाह, देखें जरखेर है माशाल्लाह, जरखेर के साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको माला माल रखा हुआ है माशाल्लाह। तो यहाँ पर सिर्फ सेफ ही सेफ दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये फिर गोल्डन पे आ गए, ये गोल्डन देखें, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ मज़ेदार गोल्डन। देखो ये कैसे तैयार है ये यार माशाल्लाह, ये देखें थोड़े से ये ऊपर लगे हुए, मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को, हाँ अब आ गए जगह पर। ये देखें यार माशाल्लाह, बिल्कुल गोल्डन सेफ जो आप लेते हो 200 रुपये 250 रुपये किलो ठेले से। ये देखें माशाल्लाह, कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है माशाल्लाह सेफ। मैं क्या दिखाऊं आप दोस्तों को यार, जिधर आगे मैं बढ़ता हुआ जा रहा हूं तो सेफ ही सेफ। अच्छा, ये छोटी नस्ल होती है गोल्डन सेफ की, आपने देखे होंगे ये छोटे वाले सेफ भी बिकते हैं, ये बड़े खाने में टेस्टी होते हैं, इसके अंदर रस ज़्यादा होता है। आप ये सेफ देखेंगे ना, इसके अंदर आपने खाया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा, इसके अंदर रस ज़्यादा होता है। छोटा सेफ है ये, मगर बड़ा मज़ेदार है यार। ये देखो माशाल्लाह, कितना ज़्यादा सेफ है यार। ये पूरा दरख्त इस तरह से छोटे सेफ में बड़ा हुआ है। तो यार नस्ल होती है ना, हर सेफ की अपनी अपनी नस्ल है,
और कोई गोल्डन है, कोई ये छोटा सेफ है, कोई एक सफेद कलर वाले होते हैं। चलो ये आ गया, देखो मैंने नाम लिया, अल्लाह की कुदरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बात कबूल की। ये देखें, ये हरा सेफ होता है, ये लाल होता ही नहीं है। ये आपने देखा होगा ठेलों पे हरा सेफ पड़ा होता है, ये वो वाला है। ये देखें माशाल्लाह कितना यार इसके अंदर माल है, अल्लाह ताला बरकत डाले इनके माल में, आमीन। तो ये देखें, ये पूरा जो दरख्त है ना, यकीन जाने के बस ये भरा हुआ है इस हरे सेफ से, माशाल्लाह। ये देखें आप जिस तरफ मैं देख रहा हूँ इसको, सिर्फ इसके अंदर सेफ ही सेफ है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है कितना यार माशाल्लाह। व्यूअर्स अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ पे ये पूरे बाग से माल तोड़ के आगे इकट्ठा करते हैं ना। ये देखें ये माल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस माल को ये कचरे के साथ छुपा भी देते हैं कि इसको धूप ना लगे। तो फिर ये माल आता है यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पे लेबर हजरात होती है जो इस माल को छाटी करते हैं। तो फिर ये पैकिंग हो रही है, देखें इस माल की। तो ये पैकिंग इस तरह से करते हैं, जो छोटा माल है उसको अलग पैक करते हैं, जो बड़ा माल है उसको अलग पैक करते हैं, और इसमें से फिर जो होती है इनकी जींस होती है उस जींस को भी अलग करते हैं। तो ये जो अभी पैकिंग हो रहा है, ये गोल्डन माल पैकिंग हो रहा है। ये देखें इस तरह से ये डब्बा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके ऊपर ये अभी शापर पेपर लगाएंगे, सॉरी पेपर लगा के और इसको ये अंकल पैक करेंगे। तो ये इसके ऊपर ये घास भी लगेगा। तो अगर आप लोगों ने पेटी लिया होगा कभी सेब का, तो आपको पता होगा उसके ऊपर पहले घास होता है, वो घास के नीचे पेपर निकलता है और पेपर के नीचे सेफ होता है। तो ये देखें, वो मेरे भाई को भूख लगी है तो उसने गोल्डन सेफ हाथ में ले लिया। खाओ खाओ भाई, क्यों घबरा रही है, देखो ऐसे खाया जाता है। देखो सेफ, देखो माशाल्लाह सेफ की तरह लाल लगा हुआ है भाई मेरा। ये देखें ये भाई, देखो ये पटाई कर रहे हैं, ये इस तरह से ये ना पटाई करके सेफ लेके आते हैं। तो ये शेन किलो के नाम से देखो हरा सेफ है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह यार, पूरा दरख्त है इसका, देखो इसमें भरा हुआ है सुभान अल्लाह। और इसमें भी बता रहे कोई एक डेढ़ महीना भी है, एक डेढ़ महीने के बाद ये सेफ भी तैयार हो जाएगा। चलें आपको इस बाग का और विजिट कराते हैं, इसके अंदर बहुत सारी वरायटियाँ हैं माशाल्लाह। फिर से ये देखें गोल्डन को, ये सेफ देखें यकीन जाने के ना माशाल्लाह। एक तो ठंडा हुआ पड़ा, क्योंकि कोयटा का मौसम ही वैसे ठंडा है आपको पता है। और सेफ का साइज़ देखें यकीन जाने के, एक पाव का सेफ है ये देखें माशाल्लाह। ये अंकल मुझे बहुत बाग के अंदर लेके आए, बहुत अंदर दूर है ना, बोला कि चलो आपको एक वीआईपी वाले आइटम जो हमारे पास लगे हुए हैं ना वो आपको दिखाता हूँ। बस ये एक शिकायत करते हैं, बोलते हैं यार अगर हम गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे ना एक्सपोर्ट करने में, तो ये हम वीआईपी पैकिंग गवर्नमेंट को करके दें, हमें सपोर्ट करे। अगर ये माल हमारा बाहर चला जाए ना, तो बोलते हैं यार हमें बहुत इसके रिजल्ट में बरकत हो सकती है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो सकता है। मगर आपको पता है कि हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो ये माल सिर्फ इनका कराची तक ही जाता है, इस्लामाबाद लाहौर तक वहीं बिकता है। तो ये देखें माशाल्लाह ये एक और जेंट्स है, मगर देखें आपने सेफ में पक्के से पकड़ा हुआ है माशाल्लाह। देखें आप सुभान अल्लाह, यकीन जाने ना दरख्त देखें माशाल्लाह। ये भी कुछ कच्चा माल है दिखा रहा हूँ आपको, कुछ पक्का माल है इस दरख्त के अंदर, मगर देखें माल देखें यार कसम से ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ हम मुसलमानों को दिए, मगर हम थोड़ी सी चीज़ों में पीछे रह गए हैं सिर्फ। ये माल इनका पैक हो गया बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, तभी ये गाड़ी में आपको दिखाऊंगा, उस गाड़ी में ये लोड होगा, ये लोड हो गए, ये कराची की तरफ ये भेजेंगे। तो इसकी पैकिंग हो रही है, ये तकरीबन बताते हैं कि एक महीने से सीज़न इसका चल रहा है, और रोज़ की बे आप पे हमारी दो तीन गाड़ियां माशाल्लाह कराची या इस्लामाबाद लाहौर की तरफ जा रही हैं माशाल्लाह। मगर ये बोलते हैं कि अगर यही माल हमारा अगर बाहर मुल्क चला जाए तो हमें ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और हमारा फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा, तो इस चीज़ पर ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये पैकिंग हो रही है, तो ये मैंने आपको दिखा लिया है यहाँ का सेफ का जो प्रोसीजर कैसे होता है और सेफ के बागात में सेफ किस तरह से होता है, तो ये सारा दिखाया है मैंने आपको। अभी हम जाते हैं कि एक और लोकेशन पे, उस लोकेशन पे मैं आपको जाके अंगूर दिखाता हूँ कि कोयटा के अंदर अंगूर कैसे होता है, क्योंकि भाई साहब ने मुझे अभी बताया कि अंगूर एक और जगह पर है, वो तकरीबन यहाँ से आधे घंटे का फासला है। तो हम जाएंगे वहाँ पर और अंगूर देखेंगे, वो आपको वो भी चेक करेंगे कि अंगूर का बागात कैसे हैं।